नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और पटना सिटी से है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मतदान पूरा होने के बाद भले ही एग्जिट पोल महागठबंधन को सरकार बनाने का दावा किए जा रही है, परंतु एनडीए कार्यकर्ताओं में जीत का दावा कर जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ता मतगणना के एक दिन पूर्व से ही अपने विधायक नंद किशोर यादव की जीत के लिए लड्डू वितरण की तैयारियों में जुट गए हैं और कारीगरों के साथ कई क्विंटल लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नंद किशोर यादव 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी होंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा कितना सही होता है और लड्डू की मिठास बढ़ती है या फीकी होती है। देखिए, 15 साल पहले जो बिहार बीमारू राज कहलाता था और उसके बाद जो एनडीए सरकार बना है, 15 साल जो काम किया है, विकास का पटरी पर लाने का काम किया है, उससे पूरे बिहार की जनता में एक विश्वास बना है और इस बार भी हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और हम लोग को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए हम लोग लड्डू बनवा रहे हैं और 10 तारीख को एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा और उस खुशी में हम लोग लड्डू वितरण करेंगे। साथ ही पटना साहिब से भी नंद किशोर यादव जी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस जीत की खुशी में हम लोग को पूरा उत्साह से लगे हुए हैं और इसी खुशी में लड्डू का वितरण किया जाएगा। इसीलिए लड्डू का बनाने का काम आज से शुरू कर दिया है। कितना लड्डू बनवा रहे हैं? हम लोग एक मन बनवा रहे हैं। ये कहाँ बटेगा? ये पूरा पटना साहिब विधानसभा में बटेगा और सारे कार्यकर्ता में उत्साह है और इस उत्साह के घड़ी में हम लोग प्रफुल्लित हैं और पूरे बढ़िया से इसको जश्न के रूप में मनाएंगे। क्या नाम हो गया? राजेश शाह, प्रवक्ता भाजपा पटना महानगर।